परमेश्वर में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास तो कोई पदवी नहीं है। जो 36 बरादरी की चौकट डटों चौकट पे जाएगा, इनको मैंने अपने गांगर गांव में इकट्ठा किया हुआ है। वहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, उस जैसा आदमी जीवन में मैंने देखा नहीं। मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बी पॉजिटिव न्यूज पर आज हमारे साथ हैं इंद्री से युवा नेता पंडित संजीवन शर्मा। जी हाँ, इंद्री विधानसभा के गांव दर गांव, गली दर गली, चौखट दर चौखट जाकर जनता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पहला टेस्ट उनका 29 अक्टूबर दिन रविवार को है। एक जनसभा कर रहे हैं, विचार मिलन समारोह कर रहे हैं, लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संजीवन शर्मा हमारे साथ है, पूछेंगे क्या कार्यक्रम होने वाला और किस तरह लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। संजीवन जी, क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों से? आप गांव दर गांव, चौखट दर चौखट गए, पूरा इंद्री हल्के के हर इलाके में आप पहुंचे हैं। 29 को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या कहेंगे सर? पहले तो बी पॉजिटिव न्यूज का मेरे घर आने पर आपका स्वागत है। 29 तारीख दिन रविवार को मैंने एक भाईचारा मिलन समारोह का आयोजन किया हुआ है, प्रोग्राम है, उसमें मैंने सभी को निमंत्रण दिया हुआ है। मैंने अपने समाज को भी सबको बुलाया हुआ, मैं दर टू डर में चौकट पे गया। 1 महीना 6 दिन में मैंने 142 गांव की यात्रा की है और सबका प्यार मुझे इतना मिला जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सब ने मेरे को इतना आदर सम्मान और मान दिया और सब ने इस प्रोग्राम में आने का, बढ़ चढ़ कर भाग लेने का मेरे को आश्वासन दिया। ये जो कार्यक्रम होने वाला है, जाति विशेष, वर्ग विशेष का है, 36 बरादरी का रहेगा। आप ब्राह्मण समाज से, क्योंकि ब्राह्मण इंद्री में लंबे समय से अपने हक की आवाज लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे, आवाज दब जाती थी, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म दिया उनको आवाज बुलंद करने का, तो क्या रहेगा इस कार्यक्रम में? ऐसा जी, ये प्रोग्राम सभी का है, लेकिन विशेष रूप से समाज का भी है और विशेष रूप से सभी का भी है। जो मेरे अपने, सभी मेरे अपने हैं जी, 36 बरादरी मेरी अपनी है, लेकिन इसमें पहले अपना गर्व से आदमी पूछ के चलता है। कोई भी कार्यक्रम बार करता है, कोई भी दिशा निर्देश होते हैं तो वो घर में सलाह करता है। ये मेरे अपने घर के सदस्य है, सारे हैं जी उस दिन, और इनसे पूछ के मैं आगे का कदम उठाऊंगा। और ये मेरे मतलब घर में जब आदमी मजबूत होता है तो वो फिर सारी जगह मजबूत होता है। आजकल कांग्रेस की लहर दिख रही है हरियाणा में, नेताओं की भी लहर, बड़े बड़े कई नेता हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन आपने मैम शैलजा को ही क्यों चुना? क्योंकि शैलजा से आपकी नजदीकियां, आप आशीर्वाद लेते रहे उनके, आपको छोटा भाई मानती है, तो शैलजा मैम को क्यों चुना? और भी कई नेता हैं जो जिनसे हम राजनीतिक रूप से दोस्त हैं उनके भी, लेकिन शैलजा मैम के साथ क्यों चलना फैसला किया आपने? ऐसा जी, मेरे तो सबके साथ अच्छे संबंध है, लेकिन मेरी नेता शैलजा मैडम है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, अध्यक्ष जी, सब ही नेता है जी। जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारे नेतृत्व, सारे हमारे नेता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास तो कोई पदवी नहीं है जी, लेकिन मैं टिकट को अपने आप में प्रबल दावेदार मानता हूँ। ये मेरी एक कॉन्फिडेंस ला लो, मेरी मनसा ला लो, या मेरा को एक ऊपर से आशीर्वाद लगा लो। देखो पॉलिटिकली एक बात होती है, टिकट मैं भी चाहता हूँ, हर एक आदमी चाहता है प्रधानमंत्री तक पहुंचना, लेकिन टिकट के लिए राजनीतिक गणित होता है, वहां सुनहरी होता है हल्के का। तो आप ब्राह्मण समाज से हैं, हालांकि जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी हरियाणा में या देश में है तो ब्राह्मण समाज से कभी एमएलए रहा ही नहीं देंगे, तो किस तरह आप लोग आप विश्वास करेंगे? क्या कारण, क्यों वो हौसला, पहली बार कितने हौसला रखा है ब्राह्मण समाज के बंदे ने इंद्री में अपनी आवाज उठाने का? वैसे जी, मैं जनता का कितना विश्वास जीतता हूँ आने वाले दिनों में, और जनता मेरे से कितना विश्वास करती है ये आने वाला भविष्य बताएगा। और आज की तारीख में तो सबके हाथ में कटोरा है, कटोरा जो बर्तन होता है ना, आप उसका पैमाना मान लो। जो बड़े है मेरे से, जो शीर्ष नेता है, उनके हाथ में भी कटोरा है और संजीवन के हाथ में भी कटोरा है। भिक्षा उस पात्र में जब पड़ेगी जब चुनाव से 15 या 20 दिन पहले होंगे। वेणुगोपाल के साइन होंगे, जो जनरल सेक्रेटरी है, अध्यक्ष जी के साइन होंगे और लिस्ट आउट होगी, जब उसमें नाम पढ़ा जाएगा ये टिकट उसका है। तो हम उसी को टिकट मांगेंगे ना, तो ये रेल का टिकट है ना ये बस का टिकट है, तो पार्टी का टिकट है। आप किस आधार पे कहते हो मुझे टिकट मिलेगी? देखो आप संघर्ष कर रहे हो, सरपंची भी लड़ी आपने, तो हम मस्ते थे, लेकिन बड़ी सीरियसली लड़ी। आप मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से दिमाग, आपके दो दिमाग चलते हैं, एक अंदर एक बाहर, अंदर का दिमाग क्या कहता है आपको? मैं ना तो नेता हूं, मैं तो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हूं,
मेरी पार्टी में यह है कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दिया जाएगा, ये भाषा बड़े नेता की होती है स्टेज से। मैं उस कार्यकर्ता का कितना मान सम्मान आने वाले टाइम में होगा जो 36 बरादरी की चौकट दर चौकट के जाएगा और उनका विश्वास जीतने में कामयाब होगा, तो फिर टिकट मिलना ना मिलना तो उस टाइम की स्थिति बताएगी। मेरा तो ये विश्वास है कि आने वाले समय में लोग और इंद्री की देवतुल्य जनता 36 बरादरी संजीवन को आशीर्वाद देगी और टिकट की जब बारी आएगी तो जब वो लिस्ट सामने आएगी तो उस लिस्ट से ही हम कहेंगे कि इसका टिकट है। 29 अक्टूबर को क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कहां से शुरुआत होगी, क्या शेड्यूल रहेगा? 29 अक्टूबर को जी मैंने अपने जो मेरे गांव के साथ के एरिया है जैसे जी उचाणा, उचाणी, गर्ड, कराड़ी, रंबा, अपना जो इधर का एरिया है जी सारा, इनको मैंने अपने गांगर गांव में इकट्ठा किया हुआ है। वहां के खेड़े से हम आशीर्वाद लेके चलेंगे जी, उसके बाद हम यात्रा हमारी सीधी रोड शो लगा लो जी, इसको जाना लगा लो जी, इसको सड़क पे चलना लगा लो जी, जो भी माध्यम आप लगा सकते हो उससे हम जाएंगे ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री जी। वहां हमारा प्रोग्राम होगा मिलन समारोह, मिलना है, एक दूसरे के विचार रखने, एक दूसरे से बातें करनी है। वहां कोई राजनीतिक मंच नहीं है किसी प्रकार का भी, कोई किसी प्रकार के नेताओं की बात नहीं है वहां, तो मेरी अपनी बात है कि मेरी नेता ये है। मैं इस पार्टी से 17-18-20 साल से काम कर रहा, पहले जयसिंह राणा जी के साथ रहा मैं, वो देवता वर्ग के आदमी थे, वो स्वर्ग में हम नरक में, उस जैसा आदमी जीवन में मैंने देखा नहीं, मतलब बहुत बढ़िया आइडियल। जयसिंह राणा मेरा आइडियल है, ईमानदार आदमी, उसकी नैतिक छवि की कोई तुलना नहीं की जा सकती इस धरती पे। वो इतने बढ़िया आदमी और ईमानदार आदमी थे, वो स्वर्ग में हम न रखे। लेकिन जयसिंह राणा जी को आप आइडियल मानते हैं, आज के राजनीति में ईमानदारी बड़ा मुश्किल है, ईमानदारी से संघर्ष करना स्थापित करवाना अपने आपको संभव है आपके लिए? मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, मेरे लिए सारी चीज संभव है और बड़ी मैं नैतिक ईमानदारी से लोगों के बीच में रहूंगा और लोग मेरा इतना साथ देंगे ये आने वाला समय बताएगा। देखिए एक कहावत है, इम्पोसिबल को अगर आप तोड़ो तो आई इम्पोसिबल बनता है। असंभव कुछ नहीं है संजीवन के लिए, सब कुछ संभव है और करके दिखाते भी हैं। नई शुरुआत है, नई पारी है, नया मैदान है, लेकिन खिलाड़ी वही है संजीवन मजा हुआ। 29 अक्टूबर को इस खेल का पहला मैच होगा ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में। कितने ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ते हैं, दावों को हकीकत में कितना बदल पाते हैं संजीवन ने समय बताएगा, लेकिन जोश हौसला देकर लगता है कि संजीवन की लड़ाई और संजीवन का जो ये गेम प्लान है वो सफल होगा। हमारी ओर से भी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक। थोड़ा ऐसा ना, ठीक हो गया ना?